हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सफल कुमार। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि लगातार खबरों में भी आ रहा है, WHO की रिपोर्ट भी आ रही है कि अगली तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए बड़ी परेशानी दायक होगी, इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं शामली जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने की है? मैं बताता हूँ, ऐसा पूर्वानुमान है कि तीसरी लहर आएगी सितंबर में, अगस्त के लास्ट में इसका पीक होगा, जो बच्चों को 4 साल से लेकर 12 साल 18 साल तक प्रभावित करेगी। तो शासन के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि जिला लेवल पे 10 से लेकर 20 बेड जो है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए तैयार करे जाएं, तो हमने 20 बेड तैयार कर लिए हैं। और 20 बेड में तो 10 बेड पर वेंटिलेटर है हमारा, बाकी सब बेड के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सेंट्रल ऑक्सीजन की सप्लाई है, आईवी लाइन मेंटेन करने के लिए वो है, मॉनिटर भी लगे हुए हैं हमारे पास, बेड साइड लॉकर भी है हमारे पास। हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो किसी भी प्रकार की उसको उपचार में कोई कमी नहीं रही है, हम बिल्कुल स्टैंड बाई हैं, बिल्कुल तुरंत तैयार हैं अगर कोई पेशेंट आता है। ये तैयारियां डॉक्टर साहब हो चुकी है, क्या मेडिसिन की उपलब्धता पहले से की गई है या इसके लिए अभी ऑर्डर दिया गया? मेडिसिन की उपलब्धता 80% हमारे पास है, 20% मेडिसिन या कुछ इक्विपमेंट इस तरह के हैं वो हमने इंडेंट भेजा हुआ है और विद इन ए वीक वो हमें मिल जाएगा सारा सामान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से। जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन दिनेश गहलोत के साथ राजपाल पारवा, शामली।